الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدر محترم علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں واپی میں کافی عرصے کے بعد عظیم پیمانے پر آج کا یہ پروگرام پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہوا اور جماعت کے بڑے نامور اور چنندہ علماء کرام نے آپ کے سامنے مختلف موضوعات پر خطاب فرمایا مجھ سے پہلے ہماری جماعت کی شان شیخ حافظ جلال الدین القاسمی حفظہ اللہ نے فطروں کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں ہم سب کو بتائیں اللہ تعالیٰ اس دور کے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائیوں موضوع ملا ہے عظمت رسول ہم کیا اور ہماری اوقات کیا ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا کہ ہم اس رسول کی عظمت بیان کریں جس رسول کی عظمت کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہے جس رسول کی شان یہ ہے جس رسول کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کے دل میں کیا چل رہا ہے اس نبی کی منشا کیا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو بھی شریعت کا حکم بنا دیا
बैतुल मुकद्दस की तरफ रुक करके अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन आपके दिल में यह इरादा है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी आरजू है कि काश खाने काबा को हमारा किबला बना दिया जाए। नबी ने जुबान से कहा नहीं, दिल में चल रहा है, बार बार निगाहें आसमान की तरफ जा रही, शायद अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म आ जाए। कद नरा तकल्लुब वजहिक फिस समा फलनवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाहा। ऐ नबी, जब आप आसमान की तरफ बार बार पलट करके देख रहे हैं, ऐ नबी आपका बार बार आसमान की तरफ पलट करके देखना हम देख रहे हैं, और ऐ नबी अब हम आपको हुक्म दे रहे हैं कि नमाज में आप उस सिंत की तरफ, उस डायरेक्शन की तरफ, उस तरफ आप रुक करके नमाज पढ़िए जिस तरफ आप चाहते हैं। फवल्ली वजह कशत और अल मस्जिद अल हराम। ऐ नबी, आज से अल्लाह हुक्म दे रहा है कि आप मस्जिद हराम को खाने काबा को अपना किबला बना ले। यह है उस रसूल की अजमत मेरे भाई, उस रसूल की शान यह है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उस नबी को मासूम बनाया, और उस नबी की अजमत को बयान करते हुए अल्लाह ने फरमाया, वन्नजम इदा हवा मा ज़ल्ला साहिबुहुम वमा गवा वमा यन्तिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा। कसम है सितारे की जब वो गिर जाए। ये रसूल की अजमत बयान करने के पहले अल्लाह ने गिरने वाले सितारे की कसम क्यों खाई? उलमाए तफसीर में लिखा है उसकी दो वजह है। यहां सितारे से मुराद वो सोलिया सितारा है जो फजर के वक्त गिरता है। गोया इस सितारे की कसम खाकर के अल्लाह तबारक व तआला ये ऐलान कर रहा है, ज़लालत और गुमराही की रात छट चुकी है और हिदायत का कि सुबह और हिदायत की किरणें फूट रही है और आफ्ताब रिसालत हिरा की गोद से तुलू हो रहा है, फारान की चोटियों से तुलू हो रहा है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं। वल्नजमी इज़ा हवा, कसम है सितारे की जब वो गिर जाए, छुप जाए। और बाज़ उलमा ने लिखा कि यहां सितारे से मुराद वो सितारे हैं जिनके जरिए शयातीन को मारा जाता है, जिनके जरिए अल्लाह तबारक व तआला शयातीन को मारता है। गोया अल्लाह के रसूल की अजमत को बयान करने से पहले उस सितारे की कसम खा करके अल्लाह यह बता रहा है कि अब मेरे नबी की आमद दुनिया में हो रही है, अब मोहम्मद अकरम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, अब शयातीन की स्याही के दिन आ रहे हैं, अब दुनिया में तौहीद का बोलबाला आने वाला है, अब खाने काबा बुतों से पाक होने वाला है, अब मक्का की सरजमीन अल्लाह अकबर की सदाओं से बुलंद होने वाली है। मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा। ऐ मुसलमानों, हमने तुमको जो रसूल दिया है, जो नबी दिया है, उस नबी के अंदर ना तो जलालत है ना गवायत है, ना उनके इल्म के अंदर कोई कमी है ना उनके अमल के अंदर कोई कमी है, वो अपने इल्म के एतबार से भी मासूम है, अपने अमल के एतबार से भी मासूम है। वमा यन्तिकु अनिल हवा, और वो नबी जब बोलते तो अपनी मर्जी से नहीं बोलते, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा, उस नबी की जुबान से निकलने वाला हर लफ्ज अल्लाह की वही होता है, अल्लाह का फरमान होता है। वो नबी मासूम है, उस नबी की जुबान से निकलने वाला एक एक लफ्ज मासूम है मेरे भाई। अब इसके बाद अगर कोई जुरत करे और नबी की हदीस आने के बाद और नबी का फरमान आने के बाद फला ने यह कहा, बुजुर्गों ने यह कहा, आबाओ अजदाद ने यह कहा, बाप दादा ने यह कहा, मेरी अक्ल ने यह कहा, मेरी लॉजिक ने यह कहा, मेरी मंतिक ने यह कहा, मेरे दिमाग ने यह कहा, अगर कोई ये जुमला निकालता है मेरे भाई, अपने ईमान की खैर बनाए। नबी की हदीस के आने के बाद बहाने, नबी की हदीस के आने के बाद चुनौत चरा, अरे उस नबी की अजमत तो यह है, उस नबी का मकाम तो यह है कि अल्लाह सूरह आले इमरान में फरमाता है, وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ
याद करो अल्लाह ताला ने हर नबी से ये एग्रीमेंट लिया, ये वादा लिया कि ऐ मेरे नबियो, ऐ मेरे रसूलो, मेरे पैगंबरो, तुम्हारी जिंदगी में अगर हमारा आखिरी नबी आ जाए, अगर हमारा आखिरी रसूल तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, लतूनुन्ना बिही वलतंसुरुन्नहु, तो तुम मेरे नबी के ऊपर जरूर ईमान लाओगे, तुम जरूर मेरे नबी की मदद करोगे। कालू قال اقررتم وقد قالوا اقررنا, अल्लाह ने कहा क्या तुम इकरार करते हो? सारे नबियों ने कहा कि हां हम इकरार करते हैं। قال اقررتم وقد قالوا اقررنا, इसलिए قالوا اقررنا, अल्लाह ने कहा क्या तुम इस एग्रीमेंट को कबूल करते हो, क्या तुम ये इकरार करते हो? सारे नबियों ने इकरार किया। قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे नबियों तुम गवाह रहना और मैं भी इस एग्रीमेंट के ऊपर गवाह हूं। यह है रसूल की अजमत मेरे भाई, यह है रसूल का मकाम कि अल्लाह तबारक व तआला सारे नबियों से यह एग्रीमेंट ले रहा है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में हमारा आखिरी नबी आ गया तो तुम उसकी पैरवी करोगे, उसकी इत्तबा करोगे। और यहां पर आप वो हदीस उठाएं, सुनन दारमी की सही रिवायत, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने तौरात का एक नुस्खा लाते, तौरात का एक नुस्खा लाते, उसको पढ़ने लगते और अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अबू बकर सिद्दीक कहते हैं अय उमर सकेलत का सवाकिल, अय उमर गुम करने वालियां तुझे गुम कर दे, क्या तू रसूल का चेहरा नहीं देख रहा है? हजरत उमर की नजर अल्लाह के रसूल के चेहरे पर पड़ी, तौरात उसका वहीं पर रख दिया और कहा औजु बिल्लाहि मिन गज़बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूं अल्लाह के गजब से, रदीतु बिल्लाहि रब्बा वबी मोहम्मद रसूला वबी इस्लाम दीना, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानता हूं और मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूं। उसके बाद अल्लाह के नबी ने जो जुमले कहे मेरे भाइयों, जरा दिल की गहराइयों में उन जुमलों को उतार लो। आपने अल्लाह की कसम खा करके कहा वल्लजी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, लौ बदा लकुल मूसा, अगर आज दुनिया में हजरत मूसा अलैहि सलाम आ जाए, वतरक्तुमूनी वतबअतुमूहु वतरक्तुमूनी, और तुम मुझे छोड़कर के मूसा अलैहि सलाम की पैरवी करने लगे, उनके पीछे पीछे चलने लगे, लज़ललतुम अन सवाई सबील, तो तुम सीधे रास्ते से भटक जाओगे, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते और मेरी नबूवत को पा लेते तो मेरी इत्तबा करते, मेरी पैरवी करते। ये रसूल की अजमत है मेरे भाई, मेरे रसूल के रहते हुए किसी दूसरे रसूल की रिसालत नहीं चल सकती, किसी मुर्शिद, किसी पीर, किसी बुजुर्ग, किसी इमाम, किसी वली की वलायत और फकाहत कैसे चल सकती है मेरे भाई। रसूल की अजमत को पहचानो मेरे प्यारे भाई, अल्लाह के प्यारे नबी इस कायनात में अल्लाह के आखिरी रसूल बनकर के आए, आप इस दुनिया में अल्लाह के आखिरी रसूल बनकर के आए, आपने समाज को बहुत सारे रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद किया। मेरी प्यारी मां और बहनों, रब्बे काबा की कसम, अगर तुम ढंग से अपने नबी की सीरत का मुताला कर लो तो शायद कभी इस्लाम के किसी हुक्म को छोड़ने की जरूरत न करो। उस नबी के कितने एहसानात एक औरत के ऊपर, इस औरत के साथ दुनिया क्या क्या जुल्म करती थी, क्या क्या सुलूक करती थी, लड़की पैदा होती थी लोग जिंदा जमीन में डाल देते थे, औरत बेवा होती थी इसी भारत की सरजमीन पर पति के साथ उसको जला दिया जाता था, अरब की सरजमीन पर सौतेली मां से बेटा शादी कर लेता था। अल्लाह के प्यारे नबी दुनिया में आए, आपने इन रस्म रिवाज की बेड़ियों से उम्मत को दुनिया को आजाद किया। हमने तुमको वो नबी दिया है, वो रसूल दिया है जो तुम्हारे कंधों पर से इन बोझों को हटाता है, उतारता है। यह अलग बात है कि आज उस नबी का कलमा पढ़ने के बावजूद आज का मुसलमान बहुत सारी रस्मों रिवाज की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये वापी की सरजमीन, यूपी के बहुत सारे हमारे आबाद यहां मौजूद हैं, सिद्धार्थनगर, इटवा, दमरियागंज, बलरामपुर के बहुत सारे अहबाब यहां रहते हैं। बड़ी तल्ख बात है, बड़ी माजरत के साथ कहना चाहता हूं, हमारे दरमियान एक बड़ी तादाद ऐसे भाइयों की है कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सुन्नत पर चलने का दावा तो करते हैं, मगर हमारी शादियों में, हमारे निकाह में,
वो तमाम खराबियां, वो तमाम खुराफात जो शरीयत में हराम है, जिनका मोहम्मद रसूलुल्लाह की शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तमाम खुराफात आज हमारे शादी ब्याह का किस्सा है। अभी सिद्धार्थनगर के एक सफर में मैंने एक निकाह पढ़ाया। निकाह पढ़ाने के बाद एक भाई बताने लगे, मौलाना जिसका निकाह पढ़ाया था मैंने वो डॉक्टर साहब थे, कहने लगे डॉक्टर साहब को 5 लाख रुपया कैश मिला है, 10 लाख की गाड़ी मिली है। मैंने कहा साहब लड़की वाले बहुत दौलत वाले थे क्या? कहा नहीं मनी साहब, जमीन बेच के उन्होंने दिया है। ये रसूल अकरम के उम्मतियों का हाल है, जमीन बेचकर अपनी बेटियों की शादी आज एक मुसलमान कर रहा है। बेटियां ऐसे ही मां की कोख में नहीं मारी जा रही है, बेटियां ऐसे ही हॉस्पिटलों के डस्टबिन में फेंकी हुई नजर नहीं आ रही है। इन बेटियों को इन रस्म रिवाज की जंजीरों से हमने बोझ बना दिया है मेरे भाइयों। ये जहर इस्लामी नासूर और ये शादी ब्याह की खुराफात आज उस तबके में मौजूद है, जो तबका हर बात में कुरान और सुन्नत की बात करता है, वो तबका शादी ब्याह में भूल जाता है कि शादी ब्याह भी मेरे रसूल का कोई तरीका था, मेरे रसूल की भी कोई सुन्नत थी। मेरे भाइयों बात करनी है, मगर हमने उस नबी के साथ बड़ी नाकदरी की है। उस नबी को भेजकर अल्लाह ने हम पर बहुत बड़ा एहसान और बहुत बड़ा कर्म किया है। और मेरा मुताला तो यह बताता है कि कुरान करीम में अल्लाह ताला ने किसी और चीज को कहकर के ये नहीं कहा कि हमने ये चीज तुम्हें अता करके एहसान किया है। अगर कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपना कोई एहसान जताया है तो वह एहसान एक ही है, और वह है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ लाना। لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ایمان والوں کے اوپر کہ اللہ نے ان کے بیچ میں ایک رسول بھیجا جو انہی میں سے ہے۔ اچھا یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ رسول انہی میں سے، من انفسهم انہی کے نفس میں سے، انہی کی جان میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، اللہ کا آخری نبی हमारे ही बीच में से है। मिन अनफुसिहिम, वो तुम्हारे अपने नफ्स में से है। क्या मतलब? मतलब यह हुआ कि हमारा आखिरी नबी ऐसा नबी है कि उसकी जात और उसकी जिंदगी का हर पहलू तुम्हारे लिए लायक नमूना है। तुम्हें बेहतरीन शोहर बनना है, खदीजा और आयशा के शोहर की सीरत पढ़ दो। तुम्हें बेहतरीन बाप बनना है, तुम हजरत फातिमा के बाप की सीरत पढ़ दो। तुम्हें फौज में क़यादत करना है, बद्र हुनैन के कायद की सीरत पढ़ लो। तुम्हें बेहतरीन मुअल्लिम और टीचर बनना है, असहाबे सुफा के टीचर को पढ़ लो। तुम्हें अगर बेहतरीन इंसान बनना है, बेहतरीन पड़ोसी बनना है और दुनिया के लिए बेहतरीन शख्स बनना है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पढ़ लो। वो नबी हर एतरार से हमारे लिए नमूना है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया हमने वो नबी भेजा जो तुम ही में से है। या तुम आयाती ही, वो नबी कुरान की आयतों को पढ़ पढ़ के तुमको सुनाते हैं। वह ये सकी तुम्हारा तज़किया करते हैं, तुम्हें पाक साफ करते हैं, तुम्हें गंदगियों से दूर करते हैं। वह युअल्लिमुहुम किताब वल हिकमा, और तुम्हें कुरान और हिकमत की तालीम देते हैं। अफसोस की बात है, जिस नबी का मिशन तालीम था, जो नबी दुनिया को तालीम देने के लिए आया था, आज सरकार के आंकड़े बताते हैं उस नबी के उम्मती भारत में सबसे ज्यादा तालीम में पीछे। उस नबी के उम्मती आज सबसे ज्यादा तालीम के मैदान में पीछे हैं। मुसलमानों की बस्तियों में चले जाओ, कबाब की और पराठे की और बिरयानी की एक से एक दुकानें मिलेंगी। कोचिंग सेंटर्स नहीं मिलेंगे, कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, यूनिवर्सिटीज नहीं मिलेंगी, ढंग के इदारे नहीं मिलेंगे। जिस नबी के ऊपर कुरान की पहली आयत इकरा नाजिल हुई, उस नबी की कौम, उस नबी की उम्मती आज तालीम से और इल्म से दूर है। ये शर्म की बात है मेरे भाई, ये गैर, ये चुनु भर पानी में डूब मरने की बात है। और कोई ये न कहे ये उम्मत गरीब है, कोई ये न कहे इस उम्मत के पास पैसे की कमी है। इनकी शादियां बताती हैं, इनके बड़े बड़े मैरिज लॉन बताते हैं, इनकी शादियों में लाखों रुपए के खाने जब सड़कों पर फेंके जाते हैं, वो चीज ये बताती है इस उम्मत के पास दौलत की कमी नहीं है, इस उम्मत के पास सरमाए की कमी नहीं है, इस उम्मत के पास तालीम के नाम पर खर्च करने की कमी है। मेरे प्यारे साथियों, हमारा नबी मुअल्लिम है, वह युअल्लिमुहुम किताब व हिकमा, वो नबी तुम्हारे किताब हिकमत की तालीम देते हैं। और जानते हो उस नबी की अजमत का एक पहलू और है। अल्लाह ने फरमाया सूरह अहज़ाब के अंदर, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है,
अल्लाह ने यह क्यों कहा, अल्लाह ने यह क्यों कहा कि किसी मर्द के बाप नहीं है। अल्लाह के रसूल के जो भी बेटे पैदा हुए सब बचपन में इंतकाल कर गए। हजरत जैद को आपने पाला था और उस जमाने में यह दस्तूर था कि जिसको पाल लिया जाए, जिसको एडॉप्ट कर लिया जाए, वो उसका सगा बेटा माना जाता था। और जब हजरत जैद को अल्लाह के रसूल ने पाला और फिर उनकी शादी हजरत जैनब से हुई और उन्होंने हजरत जैनब को तलाक दे दी और हजरत जैनब से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया अल्लाह के हुक्म से, तो लोगों ने ताना दिया कि अरे इन्होंने तो अपनी बहू से निकाह कर लिया, इन्होंने अपने बेटे की मुतल्लका से निकाह कर लिया। उस मौके पर कुरान की आयत नाज़िल हुई। और कभी गौर करना, अल्लाह ताला को यह रस्म तोड़नी थी, अबू बकर सिद्दीक से भी तोड़वा सकता था, उमर फारूक से भी तोड़वा सकता था, उस्मान गनी से भी तोड़वा सकता था। यह खतरनाक रस्म थी। लोग अपने मुंह बोले बेटे को सगा बेटा मानते थे। इस रस्म को तोड़ने के लिए अल्लाह ने इंतखाब किया तो अपने नबी का किया और अल्लाह ने हुक्म दिया अल्लाह के प्यारे नबी को कि आप ज़ैनब से निकाह करें। और जब आपने जमाने की मुखालफतों के बावजूद जब हज़रत ज़ैनब से निकाह किया और मुनाफिकों ने बदतमीजी करना शुरू की, इन्होंने अपनी बहू से निकाह कर लिया, तब कुरान की आयत नाज़िल हुई, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है। जब उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, कोई जवानी नहीं हुआ, तो उनकी बहू कहां से आ गई। अब तुम्हारा एतराज यह है कि उन्होंने निकाह क्यों किया। अच्छा, अल्लाह के नबी ने जब हजरत ज़ैनब से निकाह किया तो आपकी ऑलरेडी 4 बीवियां थी, आपके निकाह में उस वक्त 4 बीवियां ऑलरेडी थी, हजरत ज़ैनब 5वीं बीवी थी। तो यह भी एतराज किया गया कि सारे मुसलमानों को तो 4 निकाह तक करने की इजाजत है, 5वां निकाह क्यों कर रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वला कि रसूल अल्लाह, ये तुमसे पूछ के निकाह ये नहीं करेंगे, ये तुमसे पूछ के नहीं चलेंगे, ये हमारे रसूल है, ये हमारे हुक्म से काम करते हैं, ये अल्लाह की आखिरी नबी है। और फिर एक और एतराज किया गया, अगर ये रस्म तोड़नी थी किसी और से क्यों नहीं तोड़वाई गई, अल्लाह की आखिरी नबी ने यह निकाह क्यों किया। फरमाया वखातमुन नबियीन, वह आखिरी नबी है, नबूवत की मुहर ऊपर लगा दी गई, वो नबूवत के खातम है, नबूवत के सिलसिले को आपके ऊपर खत्म कर दिया गया, अगर आप रस्म और रिवाज को नहीं तोड़ेंगे तो कौन तोड़ेगा। अफसोस की बात है, जो नबी दुनिया से रस्म और रिवाज को खत्म करने आए थे, जो नबी दुनिया से बुराइयों को खत्म करने आए थे, आज उस नबी के उम्मती, उस नबी के मानने वाले बहुत सारी बुराइयों में डूबे हुए हैं मेरे भाइयों। जो नबी शराब पर पाबंदी लगाने आए थे, उस नबी की उम्मत आज शराब के नशे में गर्क है। जो नबी दुनिया को पाक दामनी का दर्स देने आए थे, उस नबी के जवान बेटे, उस नबी की उम्मतियों के जवान बेटे और उस नबी की उम्मत की जवान औरतें आज बदकारी के रास्तों पर जा रही। अफसोस की बात है मेरे भाई। अभी एक होटल की कंपनी का आंकड़ा आया है, हमारे मुल्क में एक होटल की कंपनी है जिसके होटल सबसे ज्यादा जनाकारी के लिए इस्तेमाल होते हैं। उस होटल की कंपनी ने अपने सर्वे में बताया है कि उसके होटल्स को सबसे ज्यादा शहर हैदराबाद में इस्तेमाल किया गया है और मुस्लिम मेजोरिटी इलाकों में मुसलमान नौजवान और मुसलमान लड़कियों ने इस्तेमाल किया है। यह शर्म से डूब मरने की बात है। कहां चली गई मोहम्मद अकरम की उम्मत, कहां चली गई रसूल की उम्मत, इसको क्या होना था और ये क्या हो गई। हाय अफसोस, न हमने उस नबी के मकाम को पहचाना, न उस नबी की अजमत को पहचाना, न उस नबी के एहसानात को पहचाना। अरे उस नबी के बड़े एहसानात है हमारे ऊपर, उस नबी के बड़े एहसानात है हमारे ऊपर। अल्लाह कुरान में कहता है लकद जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, ऐ लोगों तुम्हारे पास वो रसूल आए हैं जो जान से ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है आंसू मेरे नबी के गिरते हैं, तकलीफ तुम्हें पहुंचती है दर्द मेरे नबी को होता है। अल्लाह के नबी की सीरत में बहुत सारे वाक्यात ऐसे मिलते हैं जिससे अंदाजा होता है कि आप अपनी उम्मत से कितना प्यार करते थे। मेरे भाइयों, अल्लाह के प्यारे नबी को मिसवाक से कितना प्यार था, आखिरी वक्त में भी आपने मिसवाक किया, मिसवाक से बड़ी मोहब्बत थी आपको, मगर आपने क्या फरमाया, लौला अन अशुक्का अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक इंद कुल्ली सला, अगर मेरी उम्मत को परेशानी न होती, मेरी उम्मत को मशक्कत न होती, तो मैं हर नमाज के टाइम उनको मिसवाक का जरूरी कंपल्सरी हुक्म दे देता, मगर आपने जरूरी नहीं किया ताकि उम्मत परेशानी में न पड़ जाए। आपने जो दीन दिया, जो शरीयत दी, उस शरीयत में कदम कदम पर हमारे लिए आसानियां रखी गई, और जहां आपने देखा कि आसानी नहीं है, आपने अल्लाह से कह के आसानी करवाई है। मेराज का वाक्य याद कीजिए,
50 वक्त की नमाजें उम्मत को मिली थी, अल्लाह के नबी ने बार बार जाकर के अल्लाह से दुआ करके दरखास्त करके उस 50 को 5 किया था। यह उस उम्मत उस नबी की तरफ है मेरे भाइयों हमारे लिए। हम तो रात में मजे लेके बिस्तरों पर सोते रहते हैं, हम तो फजर की नमाज में अस्सलातु खैरुम मिन नौम की आवाज आती है, हम रात के 2 बजे तक सोशल मीडिया में और मोबाइल के नशे में धुत रहने वाले, हमें कहां फजर की सुध है, हमें कहां फजर के वक्त उठने का होश है। मगर वो नबी हमारे लिए रातों को रोया करते थे मेरे भाई। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी रात को उठ करके रो रहे हैं, कुरान पढ़ते हुए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि अल्लाह, ईसा ने अपनी उम्मत के लिए दुआ कर ली, इब्राहिम ने अपने उम्मत के लिए दुआ कर ली, अल्लाहुम्मा उम्मती, अल्लाहुम्मा उम्मती, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, अय अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा। हजरत जिब्रील आते हैं, अल्लाह के नबी से पूछते हैं मा युबकी का, क्यों रो रहे हैं आप। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी उम्मत के अंजाम के बारे में सोच के रो रहा हूं। अल्लाह तबारक व तआला जिब्रील के जरिए पैगाम भिजवाता है, इन्ना सनुर्दी का वला नसूर का, ऐ मेरे हबीब, हम आपकी उम्मत के बारे में आपको खुश कर देंगे, आपको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो फर्शे खाक पर जाने में सोता था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था। मेरे भाइयों कभी गौर करो, उस नबी ने ताज में पत्थर खाए, उस नबी ने उहद में उस नबी के चेहरे को जख्मी किया गया, उस नबी का चेहरा खून से लहूलुहान हो गया, उस नबी के दांत तोड़े गए, नमाज की हालत में उस नबी की गर्दन दबाने की कोशिश की गई, उस नबी पर गंदगी डाली गई। ये तकलीफें, ये अजियतें, ये गालियां, ये ताने, ये कुर्बानियां उस नबी ने क्यों सही मेरे भाइयों? उस नबी का मकसद क्या था? क्या उस नबी का मकसद नऊज़ुबिल्लाह दुनिया दुनिया में शोहरत पाना था, दुनिया कमाना था? नहीं नहीं नहीं, उस नबी का मिशन एक था, उस नबी का मकसद एक था, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا। उस नबी का बस एक ही मिशन था, अल्लाह के बंदे हिदायत पर आ जाएं, अल्लाह के बंदे जहन्नम से बच जाएं, अल्लाह के बंदे जन्नत के रास्ते पर चले जाएं। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मेरी और तुम्हारी मिसाल ऐसी है जैसे किसी ने आग जलाई, और जैसे ही आग जलाई फजाल फिराश वल जनादिब यकान फीहा, ये पतंगे और परवाने उस आग में कूदने लगे, वो पकड़ पकड़ के दूर कर रहा है मगर पतंगे और परवाने उस आग में जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते हैं अना आखिज़ुन बिहुजज़िकुम अनिन नार, मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ के तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं, वह अंतुम तफल्लतून मिन यदी, लेकिन तुम मेरे हाथों से छूटते चले जा रहे हो। मेरे भाइयों वो नबी मोहसिन इंसानियत थे, वो नबी दुनिया के लिए रहमत बन करके आए। अल्लाह कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ऐ मेरे नबी हमने आपको सारी कायनात के लिए रहमत बना करके भेजा। वो नबी सिर्फ हमारे लिए नहीं, अपनों के लिए नहीं, वो नबी गैरों के लिए, दुश्मनों के लिए, परायों के लिए भी रहमत थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है वमा कान अल्लाहु युअज्जिबहुम वअंत फीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज्जिबहुम वहुम यस्तग़फिरून, ऐ नबी जब तक आप इस दुनिया में मौजूद है अल्लाह इन मक्का वालों पर अपना अजाब नहीं भेजेगा, अल्लाह इनको अजाब में मुब्तला नहीं करेगा, आपका वजूद आपके दुश्मनों के लिए भी रहमत है। मेरा नबी तो बेजान चीजों के लिए भी रहमत थे। मेरे नबी एक खजूर के तने पर खड़े होकर के खुतबा देते थे, बड़े गौर से सुनना, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, खजूर के खड़े तने पर खड़े होकर के अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे, एक औरत की नजर पड़ती है, कहती है अल्लाह के नबी मेरा बेटा बड़ी का काम करता है, मैं चाहती हूं आपके लिए खूबसूरत मिंबर तैयार कर दूं, आप इस तले पर खड़े होकर खुतबा देते अच्छा नहीं लगता। सबक मिला, उम्मत को सबक मिला, अपने उलमा की जरूरतों को पूरा किया करो। मगर ये वो उम्मत है जो अपने उलमा से काम लेना जानती है और मौका पड़ने पर उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल फेंकना जानती है। इसी लॉकडाउन के पीरियड में कितने मदारिस हैं जिनको मालूम था कि यह असातिज़ा हमारे मरहूम मिन्नत है, इस तनख्वाह पर इनका परिवार चलता है, उन्होंने नजरें फेर दी। 20-20 साल पढ़ाने वाले, 25-25 साल पढ़ाने वाले मदारिस के असातिज़ा मेरे भाइयों फाकों की नौबत पड़ गई, लोगों से कर्ज मांग के उन्होंने घर चलाए, भीख मांगने की नौबत पड़ गई, और आज भी कितने उलमा है बच्चे बीमार हो जाए, बेटी की शादी आ जाए तो सेठों के दरवाजों पर जाके उन्हें भीख मांगनी पड़ती है। इस उम्मत को सबक लेना चाहिए नबी के सहाबा से, इस उम्मत को सबक लेना चाहिए अपने नबी से। अरे मेरे नबी ने उम्मत को यह सबक दिया है कि दीन के तलबा पर और दीन के उलमा पर
पर अपना खून जिगर उनको पिलाया जाए, अपनी खून की कढ़ाई उनको खिलाई जाए। मेरे नबी के ऊपर वो दौर भी आया था जब आपकी साहबजादी और आपकी लखते जिगर हजरत फातिमा आपके पास आई थी और कहा था, अब्बा जान मेरे घर में कोई नौकर नहीं है, मेरे घर में कोई गुलाम नहीं है, आपकी बेटी के हाथों में नींद पड़ रहे हैं। आपकी बेटी घर के काम कर करके थक जाती है। नबी को अपनी बेटी का ये पैगाम मिला, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर पहुंचे और कहा, ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मैं जरूर तुझे गुलाम दे देता, मैं जरूर तुझे कोई लौंडी दे देता, मगर मेरे दीन के ये तलबा, मेरी मस्जिद में पढ़ने वाले, दीन सीखने वाले ये गरीब सहाबा, उनको अनाज की जरूरत है, उनको कपड़ों की जरूरत है, वो बड़े गरीब हैं, उनकी जरूरतों को छोड़कर नबी अपनी बेटी को आराम नहीं पहुंचा सकता है। ये दर्द था मेरे नबी का, मेरे भाइयों, ये दर्द था मेरे नबी का। और आज उम्मत अपने उलमा के साथ और अपने रहनुमाओं के साथ क्या कर रही है, इस पर भी उस उम्मत को गौर करने की जरूरत है मेरे भाइयों। वो औरत, उसने कहा, और अल्लाह के नबी आप खजूर के तले पर खुतबा दे रहे हैं, आप खजूर के तले पर खुतबा दे रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। उसने अपने बेटे से कहकर मिंबर बनवाया, अगले जुमा को अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर पर चले। फजालत इन अनीम सबी, वो खजूर के तना बच्चे की तरह रोने लगा, उस खजूर के तने से रोने की आवाज आने लगी। अल्लाह के प्यारे नबी मिंबर से उतरे और फहतजलहु, आपने उसको अपने सीने से लगाया। अब वो रोने की आवाज आनी बंद हो गई, मगर सिसकने की आवाज आनी, जैसे बच्चा रोता रहता है, मां सीने से लगाती है तो बच्चा रोना तो बंद कर देता है, मगर सिसकियों की आवाज आती है, उस खजूर के तले से सिसकने की आवाज आने लगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्हा कान तबकी अला मा तस्मउ मिन ज़िक्र, इस तले पर खड़े होकर के मैं कुरान और हदीस पढ़ता था, मैं अल्लाह का जिक्र करता था, उस जिक्र से इस तले को मोहब्बत हो गई, अपने नबी से इस तले को मोहब्बत हो गई, और ये तना जब मैं इससे उतर करके मिंबर पे चढ़ गया, मेरी जुदाई में फिर मेरे फिराक में ये रोने लगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस को पढ़ते थे तो रोने लगते थे और कहते थे, ओ लोगों, क्या तुम उस तने से भी गए गुजरे हो, वो तना अपने नबी की जुदाई पर रोता है और तुम अपने नबी की जुदाई पर नहीं रोते हो। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी एक बेजान से तने के लिए भी रहमत बनकर के आए, वो नबी हैवानात के लिए रहमत बनकर के आए, वो नबी तो ऐसे है, उन्होंने जंग के उसूल बताए। दुनिया वालों का उसूल तो ये है, एवरीथिंग इज फियर इन लव एंड वार, मोहब्बत और प्यार में सब, प्यार और जंग में सब जायज है। मेरे नबी ने कहा, ना प्यार में सब जायज है, ना जंग में सब जायज है, ना प्यार में गलत रास्ता अपनाना जायज है, ना जंग में गलत रास्ता अपनाना जायज है। आपने जंग के आदाब बताए, आपने जंग में बताया ऐसा करो ऐसा मत करो, इसको मत कतल करो, इसको मत मारो, आपने जंग के भी आदाब बताए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, वो नबी उम्मत के लिए बल्कि पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर के आए। उस नबी की अजमत कयामत के दिन भी हम महसूस करेंगे, दुनिया में तो हम महसूस कर ही रहे, कयामत के दिन उस नबी की अजमत कयामत के दिन हम महसूस करेंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, अना अव्वल अना सय्यद वलद आदम यौम अल कियामा, कयामत के दिन तमाम औलाद आदम का सरदार रहूंगा मैं, अव्वल मन यंशक अनहु अल कब्र, और कयामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र फटेगी, वह अव्वल शाफईन, और कयामत के दिन सबसे पहले मैं शफात करूंगा, वह अव्वल मुशफईन, और सबसे पहले मेरी शफात को कबूल की जाएगी। कयामत के दिन जब नफसी नफसी का आलम होगा, सारे अंबिया शफात से इनकार कर देंगे और कहेंगे, लस्तुलहा लस्तुलहा लस्तुलहा, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं, नफसी नफसी मुझे अपनी पड़ी है। कयामत के दिन अल्लाह के प्यारे नबी कहेंगे, अना लहा, मैं करूंगा शफात तुम्हारी। अल्लाह के नबी इस उम्मत की शफात करेंगे और अल्लाह की बारगाह में ऐसा सजदा करेंगे और ऐसी तारीफ करेंगे, ऐसी अल्लाह की सताइश और सना बयान करेंगे कि कायनात में आज तक वैसी किसी ने सना बयान नहीं की। और अल्लाह आवाज देगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाइए, सर तोता, आप मांगिए आपको दिया जाएगा, इश्फा तो शफा, आप शफात कीजिए आपकी शफात कबूल की जाएगी। मगर याद रखो, उस नबी की शफात किसी मुशरिक को नसीब नहीं होगी, उस नबी की शफात किसी बिदअती को नसीब नहीं होगी। अगर चाहते हो कि सरकार का दामन कयामत के दिन नसीब हो, अगर चाहते हो रसूल की शफात कयामत के दिन नसीब हो, तो आ जाओ तौहीद और सुन्नत के रास्ते पर, आ जाओ, आ जाओ शिर्क यद्दो से तौबा कर लो, आ जाओ बिदअत और खुराफात से तौबा कर लो। बड़ी प्यारी हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर नबी को एक ऐसी दुआ दी, इन्ना लिकुल्ले नबीयिन दावतन मुस्तजाबा, हर नबी को अल्लाह ताला ने कैसी दुआ दी, उसके कबूल करने की गारंटी ली।
हर नबी ने वो दुआ दुनिया में मांग ली, वह इन्नी इख्तबातु दावती, लेकिन मैंने अपनी दुआ को संभाल के रखा है। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, अपने अहलो अयाल के लिए। किसके लिए नबी ने उस दुआ को छुपा के रखा है? फरमाया शफाअतन लि उम्मती यौमल क़ियामा, उस दुआ को मैंने अपनी उम्मत की शफाअत के लिए कयामत के दिन के लिए छुपा के रखा है कि कयामत के लिए उस दुआ के जरिए मैं अपनी उम्मत के लिए शफाअत करूंगा। वही नाइलतुन इंशाअल्लाह मन मातला युशरिकु बिल्लाहि शैया, और कयामत के दिन मेरी शफाअत उस इंसान को नसीब होगी जो तौहीद पर दुनिया से गया होगा, जो शिर्क के बगैर दुनिया से गया होगा। मेरे भाइयों, उस नबी की अजमत को पहचानो। उस नबी ने आपको वो दिया है, उस नबी ने वो नेमतें आपको दी है कि आप, अगर वो नेमतें न होती, अगर उस नबी का दीन हमें न मिला होता, शायद आज हम भी किसी किसी जानवर को देख करके हाथ जोड़ रहे होते, किसी नबी की परस्तिश कर रहे होते, किसी बुत के आगे सजदा रेज होते, या उस नबी की मेहनतों और उस नबी की कुर्बानियों का समरा है कि आज अल्लाह ने हमें दावत तौहीद और दीन तौहीद से नवाजा है। मेरे भाई, उस नबी की अजमत तो यह है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, आप फरमाते हैं अल्लाह ने मुझे छह चीजें ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई। नंबर एक, नुसरत ओती तो जवाब अल कलिम, अल्लाह ताला ने मुझे जवाब उल कलिम दिया है। अल्लाह के नबी की हदीसों को आप उठाइए, आपके जुमलों को आप देखिए। अभी हमारे शेख जलालुद्दीन कासमी साहब की आपने तकरीर सुनी, एक एक लफ्ज पर आपने इल्मी बहस सुनी, अल्लाह के रसूल के एक एक जुमले पर, एक एक लफ्ज पर उलमा ने मोटी मोटी किताबें लिखी है, एक एक हदीस की शरह पर कई की जिल्दें लिखी गई हैं। नबी के अल्फाज दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं। अल्लाह ने आपको जवान उल कलिम दिया है। नंबर दो, वनुसुर तो फिर रोब मसीरत शहर, मेरे दुश्मन के दिल में मेरा रोब दबदबा डाल दिया गया है। आज हमारे दुश्मन के दिल में हमारा रोब दबदबा क्यों नहीं है? आज क्यों दुनिया की सारी ताकतें हमको डरा रही हैं, धमका रही हैं? क्यों आज हम खौफ के साए में जी रहे? इसलिए कि उस नबी के तरीके को, उस नबी के मनहज को, उस नबी के रास्ते को हमने छोड़ दिया है। आ जाओ, अपना लो उस नबी की सीरत को, उस नबी के तरीके को, जो उस नबी को जो ताकत मिली है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला रोब दबदबा आपको भी देगा। वो मुसीर तो फिर रोब मसीरत अशार, मेरे दुश्मन के दिल में मेरा रोब दबदबा डाल दिया गया है। उसके बाद आपने फरमाया वो उहिल्लत लियल गनाइम, मेरे लिए माल गनीमत को हलाल किया गया, मुझसे पहले के नबियों के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। वजीलत लियल अर्जु मस्जिदन व तहूरा, और सारी रूए जमीन मेरे लिए मस्जिद बना दी गई। कान खोल के सुन लो, अगर आज दुनिया की सारी मस्जिदें अल्लाह ना करे अगर खत्म हो जाए, ऐसा फितनों का दौर आ जाए, ऐसा आजमाइश का दौर आ जाए, सारी मस्जिदें दुनिया से अगर खत्म हो जाए, तब भी क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले खत्म हो जाएंगे? तब भी क्या अल्लाह की बारगाह में सजदा करने वाले खत्म हो जाएंगे? अरे मुसलमान सजदा करने के लिए मस्जिद का मोहताज नहीं है। मुसलमान के लिए अल्लाह ने पूरी जमीन को मस्जिद बना दिया है। रूए जमीन की हर पाक जगह मेरे लिए मस्जिद बना दी गई और पाकी की जगह बना दी गई। उसके बाद आपने फरमाया वो खुते नबी नबीयून, और अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला मेरे ऊपर खत्म कर दिया। वह उर्सिल तो इल खल्की काफा, और मुझे तमाम इंसानियत का रसूल बना करके भेजा है। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, उस रसूल की अजमत को पहचानो, उस रसूल की शान को पहचानो। और उस रसूल की अजमत यह है कि उस नबी से ऊंची आवाज में बात करने वालों को अल्लाह ने कहा कि तुम्हारे सारे आमाल बर्बाद हो जाएंगे। ला तरफ़ु अस्वातकुम फौक़ सौतिन नबी, ऐ ईमान वालों खबरदार, नबी की आवाज से अपनी आवाज को ऊंचा मत करना, नबी की आवाज के ऊपर अपनी आवाज को ऊंचा मत करना। अंतह बता आमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे सारे अमल बर्बाद हो जाए। जब नबी की आवाज के आगे अपनी आवाज को ऊंचा नहीं कर सकते, नबी के फरमान के आगे किसी के फरमान को ऊंचा कैसे कर सकते? हमारे लखनऊ में कुछ लोग हैं साहब, हम फला से बयत हैं, हम फला के मानने वाले हैं, हमें नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इस उम्मत के बाज लोगों का मैं हाल बता रहा हूं कि साहब वो फला से बयत है तो उनको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस उम्मत को क्या हो गया है मेरे भाई? जो नबी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी उम्मत को नमाज की तलकीन करता रहा, आज उस नबी की उम्मती किसी ऐरे रट्टू खैरे के कहने पर कहेंगे साहब हमको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तरीकत पर चलते, हम शरीयत पर नहीं चलते। ये झूठ है, ये शैतानियत है, ये शैतान के वसवसे हैं। कोई
ऐसी शरीयत नहीं है जो ढकी छुपी हो। मेरे नबी की शरीयत बिल्कुल वाज़ह और क्लियर है। मेरे नबी ने जो हमें दीन दिया है, उस दीन के अंदर कोई बातिनी चीज नहीं है, कोई सीक्रेट चीज नहीं है, कोई बंद कमरे में करने वाला काम नहीं है। उस नबी ने जो हमें रास्ता दिया है, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा, मेरे तुमको ऐसे रास्ते पर छोड़ा है जो बिल्कुल क्लियर है, लैलुहा कनहारिहा, उस रास्ते पर दिन भी रात भी दिन की तरह रोशन है, तुम 24 घंटे उस तरीके पर चल सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया इंतजार में है, दुनिया इंतजार में है। आज YouTube उठाइए, सोशल मीडिया उठाइए, नबी को लोग गाली दे रहे हैं, नबी के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं। कितने कितने मुसलमान नौजवानों को आज मुर्तद किया जा रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि हम उस नबी की अजमत को दुनिया के सामने बयान करें। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, किसी ने नबी की सीरत पर, नबी के किरदार पर हमला करते हुए रंगीला रसूल नाम की किताब लिखी थी। अल्लाह अपनी रहमतों से उनकी कब्र को मुनव्वर करे। अल्लामा सनाउल्लाह मरसरी को अल्लाह ने यह मकाम दिया था, उस दौर के हर फितने का जवाब देते थे, उन्होंने मुकद्दस रसूल लिख करके उसका जवाब दिया। मेरे भाइयों, आज भी जरूरत ऐसे नौजवानों की जो नबी की सीरत को पढ़े और जाने, जो सोशल मीडिया की माहिर हो, जो यूट्यूब की माहिर हो, जो इंग्लिश बोलने वाली हो, और ऐसे नौजवान, ऐसे मुर्तद लोगों का, और ऐसे बेदीन लोगों का, और ऐसे मुल्हिद लोगों का जो लॉजिकल जवाब है और जो शरीयत की रोशनी में जवाब है, वो जवाब दे। आज ये करने का काम है, ये करने का काम है। और कान खोल करके सुन लो, उस नबी का डिफेंस करना, उस नबी की मदद करना, उस नबी के दीन की मदद करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, मेरी बात नोट कर लेना, अल्लाह की मदद नहीं आएगी। अल्लाह का वादा है कुरान में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक्दामकुम, जब तुम मेरे दीन की मदद करोगे, जब तुम मेरे नबी की मदद करोगे, मेरे नबी के मिशन की मदद करोगे, तब हम तुम्हारी मदद करेंगे। कभी गौर कर लेना कि 24 घंटे में हम और आप अल्लाह के दीन के लिए कितनी मेहनत करते हैं, हमारी कितनी एनर्जी दीन पर खर्च होती है। अरे बीवी बच्चों को खिलाने पिलाने का काम तो मुशरिक भी कर लेता है, काफिर भी कर लेता है, दुनियादार भी कर लेता है, बीवी बच्चों का पेट तो सब पाल लेते हैं। कभी गौर करना, जो नबी हमारे रातों को रोया रोए थे, उस नबी के लिए, उस नबी की सीरत के लिए, उस नबी के दीन के लिए 24 घंटे में कितने मिनट हम निकालते हैं, कितनी एनर्जी हम खर्च करते हैं, अपने इल्म का कितना हिस्सा उनके ऊपर खर्च करते हैं। अगर ये काम जिस दिन हमने शुरू कर दिया, मेरे भाइयों, सही मानों में हमने रसूल की अजमत को पहचान लिया। आइए हम दुआ करें, रब्बुल आलमीन उस नबी की अजमत को हम सबको पहचानने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे, हमारे नौजवानों को तौफीक दे, हमारे वो नौजवान जो अपने ओढ़ने में, पहनने में, खाने में, पीने में नबी की सुन्नतों की खिलाफ वर्जी करते हैं, उन्हें उन्हें डरना चाहिए। فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ, अभी आपने फितने पर पूरी तकरीर सुनी, ये फितने क्यों नहीं आएंगे? जब रसूल का एक हुक्म टूटा था ग़ज़वे उहुद में, तो जीती जंग मुसलमान हार गए थे, जीती जंग मुसलमान हार गए, सिर्फ एक हुक्म टूटा था। कदम कदम पे आज हम रसूल की मुखालफत कर रहे हैं। आज का नौजवान अपने लिबास में, अपने रहन सहन में, अपने चेहरे मोहरे में, अपने कारोबार में कदम कदम पर रसूल की नाफरमानी कर रहा है। आज फितने क्यों नहीं आएंगे मेरे भाई? अल्लाह कुरान में कह रहा है, डरना चाहिए तुम पर फितने आएंगे। मेरे भाइयों, दुआ करो अल्लाह हमारी फितनों से हिफाजत फरमाए, अल्लाह हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाए, अल्लाह उन्हें बेहयाई के और नंगेपन के तूफान से बचाए। अल्लाह हम मर्दों को तौफीक दे कि अपने घर की औरतों में हम हया और गैरत पैदा करें। अल्लाह ताला इस उम्मत के नौजवानों को अपने नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जिन भाइयों की मेहनतों से मुनक्किद हुआ, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, उनके माल में, उनके अहल-ओ-आयाल में बरकत नसीब फरमाए, सारे उलमा का, तमाम सामीन का आना जाना और यहाँ मिलना बैठना अल्लाह कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हम सबको हर किस्म के शर से दुनिया और आखिरत में महफूज रखे। आमीन। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।